हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास ये टूटा हुआ बैट, इसको हम सिंपल जुगाड़ से ठीक करेंगे। क्या करना है, कुछ इस तरह से टूटा हुआ बैट है, आप देख सकते हैं ये उखड़ गया है, इसका जो डंडा रहता है इसमें से उखड़ गया। दोस्तों हमारे पास है फेविकॉल के ये पांच पांच वाले दो ट्यूब। सबसे पहले ये ट्यूब लगा के लेते हैं ताकि लकड़ी फेविक कॉल की मदद से चिपक जाए, अपने पहले जगह पे ओरिजिनल जगह पे लग जाए, और फिर ऊपर से हम इसका कोटिंग करेंगे। ये पांच वाले एक ट्यूब है, दो ट्यूब लाया था मैंने, एक तो हो गया, लगा के लेते हैं यहाँ हाथ से कुछ इस तरह से। इसके अंदर भी लगाते हैं, जितने पार्ट में जा सकते हैं उतने पार्ट में। इस तरह से किस तरह से लगा दिया, अभी थोड़ा उंगली से फैला देते हैं। सिंपली जो जो डंडा इसके अंदर डाल देते हैं। अभी इसको जाम करते हैं थोड़ा ठोक के। अभी थोड़ा 5 मिनट तक इसको सूखने देते, 5 मिनट बाद वीडियो चालू करते, उसके बाद हमको क्या क्या मटेरियल लगेगा मैं बता देता हूँ आपको। एक ये सूखने के लिए रख दे, एक बॉटल लगेंगे 1.5 लीटर के। अभी इसका जो हैंडल है, डंडा है, इसके अंदर जाए कुछ इस प्रकार से, हमें इसके काट के लेना है कुछ इस तरह से। इधर से काट के लेता हूँ, दूसरे पार्ट भी काट लेते हैं कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पे काट लेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से बॉटल कट किया हमने, ये जो ऊपर वाला डंडा है इसमें से निकलेगा और ये अंदर बैठेगा, और ये बॉटल का पिछला हिस्सा और ये आगेगा, कुछ इस प्रकार काट के लेना है। अभी ये कुछ इस तरह से इसके अंदर डालना और गैस पे थोड़ा गर्म करके लेते हैं। चलो दिखाता हूँ आपको किस प्रकार गर्म करना है। दोस्तों अभी गैस के पास आ गए हम, सिंपली गैस चालू करते हैं। अभी क्या करना है, बॉटल का जो पार्ट हमने कट किया था कुछ इस प्रकार से इसके अंदर घुसा दिया, और सिंपली थोड़ा थोड़ा गर्म करना है ताकि ये कुछ इस प्रकार टाइट हो जाए। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से इसको पैक हो गया है, बल्ला एकदम टाइट हो गया है। चलो बाहर जाके दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं कटिंग एकदम प्रॉपर तरीके से हो गई और बल्ला एकदम पैक हो गया है। अभी इसकी टेस्टिंग लेते हैं, देखते हैं सच में क्या करते हैं। बाय।